शुक्रिया अंबर जैदी साहिबा। गुलाम रसूल साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे है। आजकल हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तानियत को लेकर काफी बड़ी बहस हमारे देश में नजर आ रही है, और पिछले कुछ दशकों में देखें तो ये काफी तेज हो गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक सूफी स्कॉलर हैं, आप ऋषि मुनि और सूफियों के उस सोच पे आप काम करते हैं पूरे देश में, तो ये जो हिंदुस्तानियत है वो क्या है और क्या हमारा इतिहास रहा है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अभी के जो हालात हैं उनके मद्देनजर ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो गया है कि हिंदुस्तानियत क्या है, व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान एक वो ऐसा मुल्क है और हिंदुस्तानियत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा इंक्लूसिव मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लैटरल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सबके लिए जगह है, जिसके अंदर सबके लिए सबके हुकूक सबके राइट्स महफूज हैं और जहां तमाम मजाहिब का एहतराम किया जाता है। यही वो मुल्क है और हिंदुस्तानियत ही वो कॉन्सेप्ट है जहां इमाम हुसैन के हुसैनी जज्बे का को सलाम किया गया और सबसे बेहतरीन तरीके से सलाम किया गया, जहां गुरु नानक देव जी की गुरुबानी और गुरु गोबिंद सिंह जी की कलाम की शीरीनी और उसकी मिठास को महसूस किया गया। और यही वो मुल्क है और यही वो हिंदुस्तानियत है जहां मुरली मुरारी बांके बिहारी श्री कृष्ण जी की मोहब्बत के पैगाम का एहतराम किया गया। एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते में और गुलशन में हम लोग रहते हैं, इसलिए ये मुल्क तो है तो सभी का। और अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं कहूं तो माफ कीजिएगा, ये मुल्क मोहन भागवत जी और मोदी जी का है उतना ही मौलाना महमूद मदनी और अरशद मद्दी का भी है। ये अलग बात है कि आज के जो हालात बन गए हैं उसमें समझ और लोगों के बात करने का सलीका और तरीका बिगड़ गया है। मैं ये मानता हूं अंबर जैदी साहिबा, हमें फिर से हिंदुस्तानियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तानियत क्या है। और एक भक्ति मत से जुड़े हुए सूफी शायर ने कहा था कि भक्ति भी मुक्ति भी भक्तों के गीत में है, कि भक्ति भी मुक्ति भी भक्ति